अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जूस किचन में वेलकम है आपका। आज मैं आपके साथ यहाँ पे बनाने जा रही हूँ ब्रेड का रसगुल्ला, और ये इंस्टेंट रसगुल्ला बनेगा, गुलाब जामुन का ये रसगुल्ला का ये। तो देखिए, चलिए एक कप यहाँ पे शक्कर लिया है, एक कप ही हमने यहाँ पे पानी ले लिया है, और दो छोटी इलायची ले लिया है इसको, और इसमें थोड़ा सा केसर के धागे डाल दिए हमने, इससे टेस्ट कलर खुशबू बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए इसको देखिए यहाँ पे हम पका लेते हैं, बॉयल करते हैं इसको। हमने 4 मिनट पकाया है, सिर्फ बॉयल किया है, क्योंकि इसकी एक चाशनी नहीं बनानी है, इसको हल्का सा पकाना है, चिपचिपी चाशनी रखनी है हमें, और ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और जब भी घर में आपके अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, आप ये इंस्टेंट गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक बाउल लिया है, 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है यहाँ पे, 1 चम्मच चिरौंजी लिया है, और थोड़ा सा केसर लिया है। आप चाहें तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं केसर की जगह, लेकिन हमने यहाँ पे केसर लिया है। और 1 चम्मच मलाई लेके इसको मिक्स कर दिया है। आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बीच से फटने का डर रहेगा, या क्रश करके डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं इसको। फिर हमने यहाँ पे 6-7 ब्रेड ले लिया है, इसका किनारी हमने साइड से निकाल दिया स्लाइस, और ये ऐसे सब कट कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ इसका साइड है, इसको भी यूज़ कर लेंगे कहीं। अब ब्रेड का टुकड़ा छोटा छोटा हम करके एक ग्राइंड जार में डालते जाएंगे, और इसका एक कॉर्न पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भून लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा और डायरेक्ट दूध डालते जाइए, भून लीजिए। 2 चम्मच यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, इसमें कोई लम्स ना रहे बीच में। पहले इसको अच्छे से हाथ से मैश कर देंगे, मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें हमने 2-4 चम्मच मिल्क डाला है, यहाँ 2-4 चम्मच पहले हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जब गीला हो जाएगा तो फिर बनाने में बॉल बनाने में दिक्कत होगी। तो आप लोग पहले इसको देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ही हमको इसको मिक्स करना है, और ज़रूरत के हिसाब से दूध डालते जाना है। 2-3 चम्मच फिर ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से गूंद लेंगे, और बहुत अच्छे से इसको मैश करते करते गूंदेंगे इसको, लेकिन गांठ इसमें ना रहे, नहीं तो फिर ये फट जाएगा। और इसको चिकना करने के लिए थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा घी इसमें 1/2 चम्मच से कम, अगर आपको डालना हो तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो दूध से ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जब पूरा अच्छे से इसको मैश कर दीजिए, हो गया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा देसी घी लिया है चिकना करने के लिए, उसको अच्छे से मैश कर देंगे इसमें। ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो ये फिर रसगुल्ला फ्राई करते टाइम फट जाएगा पैन में ही। तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और देखिए यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, जो इसके स्टफिंग बना के रखी है उसको भी इसको अंदर फिल करेंगे। ये देखिए छोटा छोटा ऐसे पहले बना लेंगे, और इसमें इसको फिल कर देंगे, और अच्छे से इसको पैक कर देंगे, सील करते जाएंगे, और इसको गोल गोल शेप में इसे राउंड कर देंगे एक बार, थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रेस करते हुए ऐसे बना देंगे। सब ऐसे बना के आपको ये दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे सब बन गया, अब आपको फ्राई करके इसको दिखाते हैं। पहले से हमने ऑयल रख दिया था, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी भी लग सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से गर्म कर लिए हैं, अब इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा नीचे से अगर हो जा रहा है तो पैन को हल्का हल्का हिलाते रहे, तो चिपकेगा भी नहीं, और अच्छे से गोल्डन हो जाएगा फ्राई। अब एक बार इसको अच्छे से चला देंगे, देखिए आपको अगर और डार्क पसंद है, इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन और करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। ये देखिए, आप अब इसको निकाल के, यहाँ पे चाशनी मेरी गर्म थी थोड़ी गुनगुनी टाइप में, इसको 1 घंटे के लिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया था मिक्स करके इसको ऐसे, और इसको ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और ये बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये रसगुल्ले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। देखिए, और इतना सॉफ्ट ये हो गया था कि इसको हाथ चम्मच से लगाते ही एकदम ये देखिए कितना, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसका टेक्स्चर देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा।